कश्मीर में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए हिमाचल के बेटे संजीव कुमार का पार्थिव शरीर ज्वालाजी के सपड़ी में हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। इसके बाद गाड़ी में पार्थिव शरीर पैतृक गांव देहरा तक लाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संजीव कुमार के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। इन दिनों शहीद संजीव कुमार जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात थे। ऐसे में शनिवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। संजीव अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे, क्योंकि वो अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। शहीद संजीव के पिता ज्ञानचंद खेतीबाड़ी करते हैं। संजीव कुमार के परिवार में 13 साल का बेटा तनिष्क, पत्नी सुजाता, माता कमला देवी और विवाहिता बहन नीलम शामिल हैं। पत्नी और बेटा किराए के कमरे में बच्चे की शिक्षा के लिए हमीरपुर में रहते हैं। लॉकडाउन के चलते अधिकांश लोग चाहते हुए भी शहीद के घर तक नहीं पहुंच पाए। न्यूज़ डेस्क।